ग्रामीणों ने दुबोलिया थाना परिसर में दिया धरना। आपको बता दें कि दुबोलिया थाना क्षेत्र के रानीपुर दुर्वासा गांव सहित अन्य गांव के ग्रामीण दुबोलिया पुलिस पर गंभीर आरोप लगाकर थाना परिसर में ही भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज करने के बाद करीब 4 घंटे तक यह धरना प्रदर्शन जारी रहा। मुकदमा दर्ज होने के बाद यह धरना खत्म हुआ है। बता दें कि 15 अक्टूबर की रात करीब 9 बजे रानीपुर दुर्वासा गांव निवासी रामकेश चौधरी अपनी सब्जी की दुकान बंद करके घर जा रहे थे। अभी वह खुशहालगंज पंचायत भवन के पास ही पहुंचे थे, तभी 3-4 अज्ञात लोगों ने रामकेश को मारपीट करके घायल कर दिया। दूसरे दिन पीड़ित रामकेश चौधरी ने एक नामजद व 2 अज्ञात के विरुद्ध थाने में तहरीर दिया, लेकिन पुलिस द्वारा जाँच कर कार्रवाई करने की बात की गई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं किया गया है। 17 अक्टूबर को पीड़ित का बेटा दुबोलिया थाने पर प्रभारी निरीक्षक द्वारा बात करते हुए समय वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगा, जिसपे कुछ पुलिस कर्मियों द्वारा मोबाइल छीनकर थाने के पीछे ले जाकर पिटाई करने का भी आरोप लगाया है। इसी बात से नाराज होकर रानीपुर दुर्वासा गाँव निवासी भाजपा के वरिष्ठ नेता दिनेश पांडे, सुशील सिंह, लल्लू सिंह, सदेव सिंह, अवधेश सिंह, हरिओम पांडे सहित 4 दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने थाना परिसर में 10 बजे भूख हड़ताल पर बैठ गए। थाना परिसर में भूख हड़ताल पर बैठते ही पुलिस कर्मियों के हाथ पांव फूलने लगे। आनंद फानम ने पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके घायल को मेडिकल के लिए भेज दिया है। दोषी पुलिसकर्मी पर जाँच कर कार्रवाई करने के लिए भी कहा है। करीब 2 बजे धरना खत्म हो चुका है। इस बारे में प्रभारी निरीक्षक संध्या रानी तिवारी ने कहा है कि पीड़ित के तहरीर दिया था, जांच पड़ताल के बाद मुकदमा दर्ज करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन खुद ना आकर अपने बेटे को भेज दिया था, जो थाने पर आकर पुलिसकर्मियों से दुर्व्यवहार करने लगा था। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझा बुझा कर भेज दिया गया है। व्यक्ति है रामकेश वर्मा, जो यहाँ पान की दुकान करता है सड़क पर। 15 तारीख की रात में उसको कुछ लोगों ने, वो घर जा रहा था रात 8:30 बजे, मारा पीटा और हल्ला गुहार होने पर खुशियालगंज मोड़ की एक घटना है। कुछ वहाँ होटल वाले से दौड़े पास पास लेकर के किसी तरह से अपराधी भाग गए। सुबह वो व्यक्ति थाने पर आया, दरखास्त दिया, पूरा दिन थाने पर बैठा रहा। 16 तारीख को कोई कार्रवाई नहीं। 17 तारीख को सुबह पूर्व सांसद माननीय हरीश द्विवेदी जी के पास गया। उन्होंने माननीय थानाध्यक्ष महोदया को फ़ोन किया, वो अपने लड़के के साथ आया। उन्होंने कहा कि भेजिए उसको। जब आया तो उसके लड़के का मोबाइल ले करके कहे तुम वीडियो बना रहे थे, और पीछे लग गया करके उसको 2 सिपाही बहुत मारे पीटे, मोबाइल छीन लिए, अंदर बैठा दिए। बहुत कुछ कोशिश करने के बाद, आग्रह के बाद, तब उसको निजी मुचलके पर 4 बजे रिहा किया। इस घटना की जानकारी कुछ अधिकारियों को भी दी गई थी। 4 दिन बाद FIR, 4 दिन तक लटकाने के बाद भी FIR नहीं दर्ज किया। लड़के को उसके मारा पीटा गया। मेरा शासन एवं प्रशासन से ही आग्रह है कि FIR शायद दर्ज कर रही हैं धरना देने के उपरांत, लेकिन जो सिपाही उस बच्चे को मारे पीटे हैं, बंद किए हैं दिन भर, उनके खिलाफ भी कोई न कोई दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। SO महोत्वा अपने पद के गुमान में इतना चूर है कि उनको ये जनता जनार्दन से कोई मतलब नहीं है। 10 कदम उठ करके जनता जनार्दन की पीड़ा भी नहीं जान सकती हैं। सारा प्रशासन उनके थाने का उनके कंट्रोल से बाहर है। हम लोग उनके हित की ही बात बताएंगे, लेकिन वो हमारी बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा अब जब तक कुछ अधिकारी कोई नहीं आएगा, हम लोग शांतपूर्वक भूख हड़ताल पर बैठे। कौन कौन सिपाही सिपाही कौन कौन थे? अब ये तो वो लड़का ही बताएगा, बैठा है यहाँ। कौन बाबू और कौन थे, नाम नहीं मालूम है, पहचान सकता है उन दोनों सिपाहियों को।